हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई आप सभी कैसे हैं? और आप सभी के लिए लगातार अपडेट लेके आ रहे हैं केंद्र सरकार जो भी योजनाएं लेके आ रही है जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ सबसे बड़े ऐलान किए हैं। आज हो चुकी है 11 जनवरी 2024 और भाई आज रात से आपको क्या कुछ बड़ी सौगातें मिलने वाली है। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं या फिर आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, तकरीबन हम बात करेंगे भाई 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए जो खुशखबरी है वो आई हुई है आज सुबह सुबह ही। और भाई आज रात से कुछ ऐसा नियम जो है वो बदलने जा रहा है जिससे आपको फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो का अंत तक देखें भाई, क्योंकि अगर आप वीडियो का अंत तक नहीं देखें क्योंकि पूरी जानकारी आपको पता ही नहीं चलेगी। भाई बहुत सी ऐसी स्कीमें होती है जो कि स्कीमें आ जाती है और स्कीमें चली भी जाती है, आपको पता ही नहीं रहता, लाखों रुपए का आपका नुकसान हो जाता है। तो भाई प्रत्येक जानकारी आपको समय से पहले ही मिल जाए, आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को मैं बता दूं किस प्रकार से आप आधार कार्ड के जरिए आज से ही 2-2 लाख रुपए जो है वो फ्री में ले सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड है। भाई आधार कार्ड तो सभी के पास होता है और जो 2-2 लाख रुपये हैं ये किस प्रकार से आपको मिलेंगे ये भी आपको मैं बताऊँगा। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अब आपको राशन कार्ड पर आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। बहुत से ऐसे राज्य थे जहां पर लोगों की मांगे थी कि आटा हमें उपलब्ध हो, अब आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पे भी आपको अपडेट देंगे कि इस प्रकार आप ले पाएंगे। उसके साथ साथ पेट्रोल की बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल जो है वो सस्ता होने वाला है, तकरीबन हम 90 रुपए के आसपास ही आपको पेट्रोल जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ LPG गैस सिलेंडर को लेकर भी अपडेट आ रहा है, जितनी भी महिलाएं हैं उज्ज्वला योजना के साथ जुड़ी हुई है उनको अब 400 रुपये में ही LPG जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है, क्या आपको करना पड़ेगा ये भी आप इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उसके साथ साथ एक भैंस खरीदने पर आपको 80,000 रुपये केंद्र सरकार फ्री में दे रही है। और भाई आपको मैं बता दूँ, अगर आप गाय भैंस पालने के शौकीन हैं, आप गाँव में रहती हैं, तो आप 80,000 रुपये केंद्र सरकार से जो लोन है ये ले सकती है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि आपको जो पैसा है, जी हाँ, पैसे पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ आज रात से ही आपको खाने बनाने के जो कुकर है वो भी उपलब्ध होंगे। भाई किन किन महिलाओं को ये जो कुकर है ये दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार से BPL राशन कार्ड पर, ये भी आपको मैं बताऊँगा। भाई सभी जानकारी मिल आपको अंत तक देखने पर ही पता चलेगी क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। सबसे पहले हम बात करेंगे आधार कार्ड की। जो आधार कार्ड आपके पास बना हुआ है 2-2 लाख रुपए केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर के आपको दे रही है आधार कार्ड के जरिए। जी हां, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत अब आपको 2-2 लाख रुपये केंद्र सरकार दे रही है। और ये जो 2 लाख रुपये आप अपने व्यवसाय खोलने के लिए कुछ भी, आप यानी कि आप अगर कुछ शॉप खोलना चाहते हैं, अपना कुछ बिजनेस खोलना चाहते हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप सरकार से जो 2 लाख रुपए बिना किसी गारंटी से ले सकते हैं। भाई आप कहीं जाते हैं आपको कोई पैसा उधार नहीं देता है, लेकिन केंद्र सरकार खुद आधार कार्ड के जरिए बैंक से आप ये जो लोन है ये ले सकते हैं 2 लाख रुपये तक का। भी उसके बाद अगर आप इसे भर देते हैं तो 1 लाख रुपये आपको और दे दिए जाएंगे। टोटल मिलाकर के 3 लाख रुपए तक का आपको लाभ है भाई इसमें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा और भाई इसके ऊपर आपको एक भी ब्याज सरकार को देने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे सरकार, इस पर आपको ब्याज भी आपसे नहीं ले रही है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने आप सभी की बात सुन ली है, बहुत से ऐसे गाँव थे और बहुत से ऐसे उपभोक्ता थे भाई जहाँ पर शिकायत आई हुई थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हमें जो गेहूं है वो उपलब्ध किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो डिपो होल्डर्स हैं जहाँ पर गेहूं की जो खाप आती है और गेहूं जो सप्लाई होते हैं जहाँ से आपको गेहूं बांटा जाता है, वहाँ पर गेहूँ की जो अदला बदली है वो की जा रही थी। गेहूँ जो काफ़ी घटिया क्वालिटी का था वो दिया जा रहा था, लेकिन भाई सरकार ने अब काफ़ी सारे गाँव में, राज्यों में अब आटा उपलब्ध करवा करके आपको बहुत ही ज़बरदस्त फैसले के साथ जोड़ा है। आपको मैं बता दूँ, अब आपको जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जो मिल रहा है राशन, उसमें अब आपको आटा देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जो आटा जो है ये भी बढ़िया क्वालिटी का होगा, एक व्यक्ति को एक आटे की थैली 5 किलोग्राम की उपलब्ध होगी। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो आपको 20 किलोग्राम जो आटा है वो उपलब्ध होगा, 4 थैली आपको दे दी जाएगी, 5 किलोग्राम की एक जो थैली है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। बहुत ही बड़ा फैसला है सरकार का और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, क्योंकि भी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इस योजना को आगे बढ़ा रखा है। वहीं हम बात करेंगे अगली जो बड़ी खबर आ रही है, महिलाओं को एक और तोहफा देने जा रही है केंद्र सरकार। फिलहाल की बात करें तो 2 से 3 राज्यों में 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर दे करके मोदी सरकार ने
एक मिसाल कायम की है और गारंटी जो थी दी थी भाई उसको निभाया भी है। और आज रात के बाद से लगातार मोदी सरकार आपको एक और अपडेट देने जा रही है, 400 रुपये में आपको LPG गैस सिलेंडर दे सकती है। इस पर विचार चल रहा है, आपको मैं बता दूँ 50 रुपये और कम किए जा सकते हैं। जहाँ पर अभी फिलहाल 450 में LPG दी जा रही है, वहाँ पर 50 रुपये की और कटौती मोदी सरकार कर सकती है। इस पर बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार लेने जा रही है, क्योंकि भाई लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी आने वाले हैं और महिलाओं को जो तोहफा है वो मोदी सरकार लगातार दे रही है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने काफ़ी ज़्यादा योगदान गरीब महिलाओं को दिया था भाई, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ LPG जो है वो भी 450 में दी जा रही है, उसके साथ साथ और जैसी योजनाएँ हैं वे योजनाओं के साथ महिलाओं को ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि अगर आप अगर आप पेट्रोल ख़रीदना चाहते हैं, पेट्रोल अगर आप रोज़ ख़रीदते हैं और महंगा पेट्रोल आप ले रहे हैं, केंद्र सरकार ने गारंटी और दी थी भाई। आप सभी जानते हैं जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए थे भाई, 3 राज्यों में BJP ने बम्पर जीत हासिल भी की थी और भाई पेट्रोल को लेकर भी मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और गारंटी आपको दी थी कि हम समीक्षा करेंगे जैसे ही हमारी सरकारें बनेगी। तो 3 राज्यों में जैसे BJP की सरकारें बनी है लगातार समीक्षा की जा रही है, पूरे देश भर में ही तोहफा देने की तैयारी कर रखी है भाई। वहाँ पर 3 राज्यों में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ पर भी पेट्रोल महंगा है वहाँ पर तकरीबन 8 रुपये से 10 रुपये का पेट्रोल का जो रेट है उसको कम करने की तैयारी में मोदी सरकार अब जुटी हुई है। तकरीबन हम बात करें तो आज रात से इसके ऊपर बड़ा फैसला लिया जाना है और आपका जो पेट्रोल है वो आपको अब तकरीबन 90 रुपये के आसपास ही देखने को मिलेगा। आप सभी को मैं बता दूं पेट्रोल और डीजल दोनों ही सस्ता होगा अब आने वाले दिनों में। आपको ये जो फैसले हैं इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि भाई महंगाई जो है वो भी चरम पर है, महंगाई भी आपकी कम आपको देखने को मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, महिलाओं को एक और सौगात देने जा रही है। आज रात की बात से ही महिलाओं को जिनके पास राशन कार्ड है, गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको एक एक कुकर, खाने बनाने का जो कुकर है, ध्यान दीजिएगा, खाने बनाने का जो कुकर है वो मोदी सरकार देने की प्रक्रिया में आगे कदम बढ़ा रही है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो भी आपको पता ही नहीं चलता। आपको मैं बता दूँ खाने बनाने के जो कुकर है इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा या फिर नहीं, तो आपको मैं बता दूँ इसके लिए गांव-गांव मोदी सरकार समीक्षा करवा रही है। जिनके पास खाने बनाने का कुकर नहीं है, यानी कि अगर आप खाने को ढककर नहीं बनाते तो आपकी जो गैस है वो ज़्यादा यूज होती है, LPG आपको बार बार भरवानी पड़ती है। अब मोदी सरकार कुछ ऐसा प्लान करने जा रही है कि आपको एक कुकर देने की तैयारी की जा रही है। जो भी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, चाहे BPL की हो, चाहे AAY की हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा उनका राशन कार्ड है वो जारी किया गया हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा उनका राशन कार्ड जारी किया गया हो, उनको मोदी सरकार एक कुकर जो है वो देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आपको आवेदन देने की जरूरत नहीं है। जिनके पास भी उज्ज्वला का LPG गैस सिलेंडर है उन सभी महिलाओं को जो कुकर है ये उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस पर विचार चल रहा है, जैसे ही स्कीम आएगी वो आपको मैं बता दूंगा। आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी के साथ भाई जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी ने यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे सभी के दिन शुभ रहे।